लोग, दिस इज निहारिका तिवारी। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं कैंपस रिव्यू की BVU जो है वो कैसा लगता है अंदर से, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी कैसा, ऑडिटोरियम कैसा है, कैंटीन कैसी है, यू नो एवरीथिंग हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। सिंस मैंने इंट्रोडक्शन वहीं पे यूनिवर्सिटी में ही यू नो शूट किया था, बट ड्यू टू सम इज हैपनिंग वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, बट देन टू यहाँ पे मैंने इसको फिर से इंट्रोडक्शन शूट किया है। और मैं इस वीडियो को क्रेडिट देना चाहूँगी अर्चिता को, जिसने मेरी बहुत हेल्प की इस वीडियो को शूट करने में, सो थैंक यू सो मच अर्चिता। सो गाइज आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैंपस कैसा लगा। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये है BVU एंट्रेंस गेट, गेट नंबर 1। और यहाँ पे आने के बाद आपको एंट्री करनी पड़ती है इस जगह जहाँ पे सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। राइट, सो ये है यहाँ का अंदर का व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो सामने वाला है वो है ऑडिटोरियम। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऑडिटोरियम अंदर से कैसा लगता है। राइट, उसे हम पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे से। तो ये गाइज ये है ऑडिटोरियम का गेट। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं ऑडिटोरियम के अंदर जाने के, लेकिन एज कोविड चल रहा है और कॉलेज बंद थे तो यहाँ पे अभी यू नो पूरा देखने को मिला नहीं कि कैसा है ऑडिटोरियम, ना मैं दिखा पाई। लेकिन चलिए बाकी सारी चीज़ों को ज़रूर देखेंगे यहाँ पे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से दिखाया जाए। तो यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग लग रही है ब्लू में, ये क्या है, ये आपका अंबेडकर भवन है। यहाँ पे सारे ऑफिसर जो हैं वो होते हैं, ST SC CL, आपने देखा होगा स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पे ही सबमिट होते हैं। तो ये था ऑफिस आपका। तो गाइज ये है वो प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, ये है कैंटीन। तो कैंटीन को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, बट जब मैंने पता चला कि कैंटीन बंद है अंदर से तो मैं वो नहीं दिखा पाई, लेकिन पूरा व्यू जो है वो आपको दिखाऊंगी कि कैंटीन के सामने का व्यू कैसा है, तो यहाँ पे कैसा लगता है ये कैंटीन। और यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं ये ATM है। राइट, ये जो है वो ATM है, जस्ट कैंटीन के सामने ही आपको ATM मिल जाएगा कैनरा बैंक का। और ये है स्टेशनरी की शॉप, जो बस आप ATM से मुड़ेंगे उधर ही आपको स्टेशनरी की शॉप दिखेगी। और ये रहे हम आ गए हैं आपके BTech डिपार्टमेंट की तरफ। तो देखते हैं BTech का डिपार्टमेंट अंदर से कैसा लगता है। चलिए अब ले चलते हैं आपको गर्ल्स हॉस्टल की तरफ कि गर्ल्स हॉस्टल कौन कौन से हैं यहाँ पे, उसको कवर अप करेंगे वन बाय वन, सारे हॉस्टल आपको दिखाएंगे। ऑल दो हॉस्टल अंदर से तो देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बंद चल रहे हैं, लेकिन ये देख सकते हैं पहला हॉस्टल है चित्रलेखा। ठीक है, सबसे पहला यही पड़ता है चित्रलेखा, और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन जो है वो बन रहा है। ठीक है, पहले तो बस इतना जो आपको दिख रहा था उतना ही था, लेकिन अब इसका एक्सटेंशन भी बन रहा है। तो आप चित्रलेखा के आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका यशोधरा हॉस्टल। तो ये है आपका दूसरा हॉस्टल गर्ल्स का, डेट इज़ यशोधरा हॉस्टल। देख सकते हैं आप अंदर से कितना प्यारा व्यू है इसका भी। और ये है यशोधरा हॉस्टल। इस हॉस्टल के थोड़ा आगे जाएंगे तो आएगा आपका संगमित्रा हॉस्टल। संगमित्रा हॉस्टल्स ये तीसरा गर्ल्स हॉस्टल है। ये जो है ये पहली बिल्डिंग थी, लेकिन अब इसका एक्सटेंशन भी बन गया जो कि इधर से है। तो अब ये काफ़ी बड़ा हॉस्टल है पूरा संगमित्रा हॉस्टल। अब हम जाएंगे आपको कवर अप करेंगे कि प्ले ग्राउंड कैसा है। राइट, तो हॉस्टल्स के जस्ट इधर मुड़ के लेफ्ट में ही आपको प्ले ग्राउंड मिलेगा BVU का, तो उसे देखेंगे। सो ये प्ले ग्राउंड है BVU का, और मैंने बाहर से ही कवर अप किया है इसे, तो देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि लाइब्रेरी कैसी है, सो उसे यहाँ पे कवर अप करेंगे। और ये जो आप देख रहे थे ये बिल्डिंग जो है कार्स खड़े, ये है आपका वाइस चांसलर का ऑफिस, जो आपकी VC होते हैं वो यहीं रहते हैं।
और अब आगे हैं हम लाइब्रेरी। तो अंदर से लाइब्रेरी को पूरा कवर करेंगे, हम बाहर से देख सकते हैं ये है आपका लाइब्रेरी। तो ये है लाइब्रेरी के बाहर की पार्किंग। और अभी लाइब्रेरी काफ़ी ओपन थी, काफ़ी लोग भी थे, राइट। यूनिवर्सिटी एज कुछ डिपार्टमेंट ओपन है आपके, तो ये है लाइब्रेरी। अब अंदर जाके देखेंगे तो ये पूरा आपका अंदर का फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। और सेकेंड फ्लोर में अब हम जाएंगे तो आपको बेसिकली मेन लाइब्रेरी दिखेगी, जहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरा व्यू है आपकी लाइब्रेरी का। यहाँ पे काफ़ी फ्लोर हैं, थर्ड फ्लोर हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हैं आपके। तो ये देख सकते हैं आप लाइब्रेरी, यहीं पे सारी बुक्स होती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और बुक इशू वगैरह यहीं से आप करा सकते हैं, राइट। सो ये है पूरा लाइब्रेरी का व्यू। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा वो मिलेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट भी है। आप देख रहे हैं सामने हिंदी डिपार्टमेंट है ये, राइट। और लाइब्रेरी के सबसे नीचे वाले फ्लोर में आप जाएंगे जब, तो वहाँ पे आपको मिलेगा जिम, ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी बंद है, ये जिम ही है, यहाँ पे आपको जिम मिल जाएगा। और अब हम लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी के आप बस थोड़ा ही आगे जाएंगे सीधे ही, तो आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, डेट इज़ बी ए डिपार्टमेंट, जो आपका बी ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहीं चलता है। तो ये वो डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं ये बी ए डिपार्टमेंट है। और इसके आगे आप सीधे जाएंगे तो आपको पता है हम कैंटीन में होके सीधे जाएंगे, और ऑडिटोरियम से जस्ट इधर लेफ्ट लेंगे आप, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे यू नो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका बैंक भी पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपकी बिल्डिंग आती है जो कि आपका फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली साइंस डिपार्टमेंट यही है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी है ये बिल्डिंग। और इसके आगे जाएंगे तो ये आप पोस्ट ऑफिस आपको मिलेगा, और इसके आगे वाली गली में ही आपको कैनरा बैंक मिलेगा अंदर जाके, ठीक है। और ये जो सीधे डिपार्टमेंट आया है आपका, ये ही है एमबीए डिपार्टमेंट और टीचिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे ही हैं बेसिकली। मेरा डिपार्टमेंट भी यही था, तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहला ये डिपार्टमेंट आएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट यही हैं आपके, साइंस से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर, टीचिंग, मैनेजमेंट, सारे डिपार्टमेंट यही हो जाएंगे। ये जो वाइट बिल्डिंग है ये है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीएड की क्लासेस यहीं चलती हैं, राइट। और इसके आगे आप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको ये वाला डिपार्टमेंट दिखेगा जो कि आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये इधर साइंस से है, ये टीचिंग वाला हो गया, और इधर सारे आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गए। तो ये आप देख सकते हैं, तो इस बिल्डिंग के अंदर आपके दो डिपार्टमेंट, एक मैनेजमेंट और एक फार्मास्यूटिकल साइंस, दोनों ही इसी बिल्डिंग में हैं। तो ये हो गए यहाँ पे, मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट जो हैं वो एक साथ यहीं पे हैं इसी लोकेशन पे। और अब आप इसके सीधे जाएंगे और आगे आपको हम दिखाएंगे कि लॉ डिपार्टमेंट कैसा है यहाँ का। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे है लॉ डिपार्टमेंट, जिस साहब सीधा ही आएंगे लेफ्ट लेंगे तो आपको ये लॉ डिपार्टमेंट मिलेगा। और इसके सीधा अंदर जाने पर आपको मिलेगा आर सी की कोचिंग के बारे में आप लोगों को सुना होगा चलती हैं, तो वो कहाँ चलती हैं हम उसे कवर अप करेंगे। और आगे हम देखेंगे कि बॉयज़ हॉस्टल जो है वो कैसा लगता है। सो ये आप आगे हैं आर सी ए में, डेट इज़ रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। सो यहीं पे आर सी ए की कोचिंग जो लोग पूछ रहे थे वो यहीं चलती है। अंदर जाएंगे तो यहीं पे एक पूरा डिपार्टमेंट है, यहीं पे है आपका। और आर सी ए के सीधा अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल जो है वो अभी हमने देखा कि नया हॉस्टल बन रहा है। पहले जो आप सामने दो बिल्डिंग देख रहे हैं बस यही दो हॉस्टल थे, और बट यहाँ पे एक सामने भी हॉस्टल था, मतलब तीन थे बेसिकली, लेकिन अभी एक और बन रहा है या एक्सटेंशन है या क्या है। काफ़ी बॉयज़ हॉस्टल भी हो गए हैं, अगर गर्ल्स के भी काफ़ी हैं तो बॉयज़ के भी अब बन गए हैं आराम से। तो बॉयज़ हॉस्टल के आगे ही आपको हेल्थ सेंटर मिलेगा, यहाँ पे हेल्थ सेंटर, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं टाइम टू टाइम, और यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप आके आराम से फ्री चेकअप करा सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ अवेलेबल। तो गाइज ये था पूरा कैंपस रिव्यू, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको कैंपस, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।